हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इतनी महंगी गाड़ी, बंदे ज्यादा भीड़ हो रही थी, बंदे खड़े हैं। अब इन्हें देखिए, आपको के 1:30 बजे हैं, भाई आ चुका है हमारे टेबल पे। तो भाई बोल रहा है कि पेमेंट नहीं हो रही है, मतलब पराठे खाने आ रहे हैं और उस बगल में बर्तन ही धोए जा रहे हैं। बस फाइनली अब हम घूम चुके हैं। अब हम जो हमारे भाई प्याज पनीर पराठा खाया, इन पराठा इज बटर इज फल के पराठे, अभी तक के बेस्ट पराठे हैं। इस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में दोबारा से। आपका साथ है आपका यार, वेलकम टू माय चैनल मी माय फैमिली। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं, सडनली प्लान बना मूर्ताल जाने का, क्योंकि कल संडे है। तो भाई का प्लान बना एकदम से, तो हमने सबको कलेक्ट करा। यहाँ से राहुल भी आ चुका है, दिनेश भी आ रहे हैं, और सूरज है, और अर्जुन भाई आ गए हैं, और मैं तो साथ में हुई, मेरे बिना तो चल लेना कहीं जाना तो है ही नहीं। तो मैं जा रहा वहाँ, भाई साहब मज़ेदार तो होना ही होना है, क्योंकि वीडियो बनाने वाला मैं नहीं हूँ और मैं ही एडिट करता हूँ। सो अभी हम वेट कर रहे हैं दिनेश का, वो आएगा, फिर हम जाएंगे सीधा कहाँ, मूर्थल। मूर्थल के पराठे खाएंगे हम। तो आपको मैं रास्ते में व्यू भी दिखाते रहूँगा और बताते रहूँगा अभी कहाँ पहुँचे हैं और कितना दूर रह रहे हैं। वहाँ की मैं आपको सारी डिटेल दूँगा मूर्थल की, कि कैसा वहाँ का जो है प्राइस है, कैसा टेस्ट है, ऑल थिंग्स। ठीक है, तो मिलते हैं आगे रास्ते में, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। नमस्ते भाई, आ चुका है। इस वजह से हम काफी लेट हो गए हैं, जो हमें निकलना था 8 बजे, हम 9 बजे निकल रहे हैं, 9:30 बजे। सो गाइस, अय्यप्पा, अब हम चल गए, हमारी स्टार्ट हो गई है गाड़ी, अय्यप्पा इन द कार। अरे यार, बाइक में चल रहे हैं यार। आपको आपने मेरी एप्पल वाली जो स्टोर ओपन हुआ उस वीडियो में भी देखा होगा इसको, मेरे साथ ही था ये मेरा कजन है, और आगे भाई सूरज, अर्जुन भाई, गाड़ी चल रही है अपनी। ठीक है, तो बने रहिए आगे वीडियो में। तो वैसे हम जा रहे थे रास्ते में रेड लाइट के पास, एक फॉर्च्यूनर, इतनी महंगी गाड़ी बंदे ने ले रखी है, लेकिन इसकी नंबर प्लेट ही नहीं है। बताओ, नंबर प्लेट आई थिंक इसके कहीं गिर गई है, पता नहीं क्या। सो हमने तो खाली वीडियो बना ली और आगे चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, मूर्थल की ओर। और देख सकते हैं बगल में कहीं ढाबे आ रहे हैं, और बस कुछ ही देर, बस कुछ ही थोड़ी देर और बस हमारा जो सुखदेव का ढाबा है, अम्बेक सुखदेव का, वो आने ही वाला है। कुछ ही क्षण में आपको दिखाई देगा हमारा सुखदेव। देख सकते हैं दोस्तों, सामने हम पहुंच चुके हैं अम्बेक सुखदेव के पास। यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है पार्किंग के लिए, देखिए कितनी भीड़ लगी है गाड़ी की पार्किंग के लिए। मैंने सूरज और राहुल को भेज दिया है, वो गाड़ी पार्क करेंगे जब तक हम अंदर जाएंगे, देखेंगे कितनी भीड़ है, क्या है क्या नहीं है। हम टेबल रिजर्व करेंगे और अपना ऑर्डर करेंगे जब तक वो गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, क्योंकि पार्किंग के लिए इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे कि आधा घंटा तो पार्किंग में ही लग जाएगा। तो इस वजह से हमने उन दोनों को भेज दिया है, वो अपना पार्किंग लगा लेंगे जब तक हम अंदर टेबल अपना रिजर्व कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी लिटरली, क्योंकि उस दिन ईद भी थी और वीकेंड भी था, शनिवार भी था, इस वजह से। तो अभी हम जा रहे हैं अपने अंदर मूर्थल के अंदर पराठे खाने, स्पेशली पराठे खाने हम आए हैं यहाँ पर बस, और हम चले जा रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सुखदेव के पास, अम्बेक सुखदेव के पास। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, फिर भी हम पहुंच चुके हैं अम्बेक सुखदेव के पास, उसके स्पेशल पराठे खाने के लिए। मूर्थल के जो स्पेशल पराठे हैं वो अम्बेक सुखदेव के ही पराठे हैं। हम स्पेशली फरीदाबाद से आए हैं आज इनके पराठे खाने के लिए। टेस्ट करेंगे हम, आपको बताएंगे कि मतलब किस प्रकार के इसके पराठे हैं, क्या टेस्ट है, कितनी वेराइटी है, और क्या क्या रेट यहाँ के हैं, कैसी सर्विस है, ऑल थिंग्स आई विल टेल यू। ओके, सो देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, अंदर भी कितनी भीड़ हो रही है, बाहर भी कितनी भीड़ थी, और बंदे खड़े भी हैं कि हमारा नंबर कब आएगा कब आएगा, फिर भी मतलब कहीं और नहीं जा रहे हैं। हालांकि अगल बगल में और भी हैं, लेकिन फिर भी जो फेमस है बंदा उसी के पास जाता है, ये आपको तो पता ही है। बंदे खड़े हैं अपने टाइम का वेट कर रहे हैं, अपने सीटिंग का वेट कर रहे हैं, फिर भी बंदा कहीं और नहीं जा रहा है। आधा पौना घंटा खड़ा होने के बाद भी बंदा अपनी जगह के लिए वेट करेगा, अपना ऑर्डर का वेट कर रहा है, तब तक वो आएगा। सो गाइस, फाइनली आधे घंटे बाद हमें टेबल मिल गई है, बहुत ज़्यादा कसमुकश करने के बाद, क्योंकि देखना पड़ रहा था कि कौन सी टेबल खाली कहाँ है, कौन सी टेबल खाली कहाँ है। आधा घंटे बाद हमें टेबल मिल चुकी है, अब हम करेंगे अपना ऑर्डर, और हमारा ऑर्डर अब आएगा, देखते हैं कब तक हमारा ऑर्डर आता है। ठीक है, जब तक मैं आपको इसका मेन्यू दिखा देता हूँ, या मेन्यू देखिए आपको, ऐसे नहीं कि यहाँ पे पराठे ही मिलते हैं, आपको हर वैरायटी मिलेगी, हर चीज़, पेस्ट्री हो गया, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, टी, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह, एज इट इज़
आपको इंडियन स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, तंदूर, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। दोस्तों काफ़ी देर हो गई है, कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं, हमारा पराठा आ नहीं रहा है। तो देखिए कैसे हमारे भाई लोग हैं, वो अचार में ही खाने लग गए हैं। अब क्या करें, भूख लग रही थी क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं, रात के 1:30 बजे हैं और 1:30 बजे हमारा नंबर आया है, तो हम अचार में ही खाने लग गए हैं। सो इस वजह से ताकि सर्विस थोड़ी लेट है, मतलब भीड़ ही इतनी है तो सर्विस तो लेट ऑल मतलब होनी ही होनी है, तो जाइस है। तो हम वेट कर रहे हैं हमारा पराठा कब तक आएगा, फिर भी हम कुछ ना कुछ खा ही रहे थे, अचार प्याज जो मिल रहा था। सो प्याज मतलब दिनेश तो कंटिन्यू खाए ही जा रहा था, उससे वेट ही नहीं करा जा रहा था, वो कंटिन्यू खाए जा रहा था। अभी प्याज खा रहा है, कभी अचार खा रहा है, ये वो, तो अब ये प्याज और अचार को मिला के खा रहा है, बोल तो रहा है अच्छा लग रहा है। उसने इसका इसका रिव्यू कैसे लग रहा है इसको, प्याज और अचार का मतलब बासी है और अचार भी थोड़ा पुराना है, फिर भी मजबूरी में खाना पड़ रहा है। तो गाइस हम बहुत वेट करने के बाद इन भैया से पूछा हमने कि कब तक आएगा, तो उन्होंने बताया कि बस आने ही वाला है हमारा पराठा, तो हमारा ऑर्डर अब आने ही वाला है। और देख सकते हैं कि हमारा पराठा ये आ चुका है हमारे टेबल पे, और अब हम पराठा खाएंगे। पराठा बहुत गर्म है यार, क्या करें, बहुत ज़्यादा, देखिए कैसे रख रहा है पराठे को, ये पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसके ऊपर मक्खन देखो यार, मक्खन मतलब वाइट मक्खन जो दिख रहा है ना, कैसा लहरता हुआ दिख रहा है, आय आय आय, मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। मन कर रहा है कि एक ही बार में मतलब मैं कितने खा जाऊंगा, लेकिन तुम आप खाओगे ना तो एक या दो ही मुश्किल से खा पाओगे, दो मुश्किल से खा पाओगे, इतना नहीं खा पाओगे, क्योंकि मक्खन उसमें इतना है कि बहुत ज़्यादा मक्खन है, आप इतना मक्खन नहीं खा पाओगे। और बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ही हो रहा था, जैसे घर का पराठा होता है, थोड़ा स्टफिंग इसमें ज़्यादा है और मक्खन है बस, और कुछ इसमें इतना खास नहीं था। तो गाइस फाइनली हमने 5 पराठे खा लिए, अपने पनीर प्याज के पराठे खाए हैं, और 5 पराठों का बिल कितना होता है मूर्थल अमरीक सुखदेव में, देखते हैं कितना बिल होता है। मैं अभी बिल देखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसका पेमेंट है इस 5 पराठों का। सो गाइस मैं भी देख रहा हूँ, हाँ ये 700 कुछ समथिंग है, 30 रुपये पता नहीं कितना लिखा, मैंने देखा नहीं सही से, इतना इसका बिल है 5 पराठों का सिर्फ। और दोस्तों भाई बोल रहा है कि पेमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पर सूरज को बुला दे, अगर भाई पेमेंट की नहीं हो रही भाई, ये तो फंसा देगा, बर्तन धोने वाले वाले काम कर रहे हैं। तो वो तो अच्छा हुआ सूरज हमारे बगल में है, साथ में ही था, मतलब उसको फ़ोन करके मैंने बुलाया कि भाई आ जा यार, अर्जुन के फ़ोन से, भाई के फ़ोन से पेमेंट नहीं हो रही है। तो सूरज आ चुका है, और सूरज अब पेमेंट करेगा अपने फ़ोन से, वो तो अच्छा हुआ हमारे साथ और भी बंदे हैं तो उनके उनसे पेमेंट हो गई है, वरना ये तो हमसे बर्तन ही धुलवा देता भाई, हम मतलब पराठे खाने आ रहे हैं और उस बगल में बर्तन ही धोए जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम पराठे खा लिए मूर्थल के अमरीक सुखदेव के पास से, ज़्यादा खास पराठे नहीं थे, नॉर्मल जैसे घर के पराठे होते हैं वैसे पराठे थे, खाली एक वाइब बना रखी है कि मूर्थल के पराठे खाइए, अमरीक सुखदेव के पराठे खाइए, ज़्यादा कुछ खास पराठे नहीं है। तो गाइस फाइनली अब हम घूम चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर को, काफ़ी रात हो गए, रात के 2:30 बज गए हैं, बहुत थक गए हैं, और अब जा रहे हैं, ये हमारे भाई हमारे अपनी गाड़ी है, अब जा रहे हैं गाड़ी चलाने। तो फाइनली हम थोड़ी देर में अब घर पहुंचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, रास्ते पीछे सूरज और राहुल इधर दिनेश सो चुके हैं, बड़े भैया गाड़ी चला रहे हैं, मैं बगल में बैठा हूँ। मूर्थल का टूर का क्या मतलब, वहाँ का क्या अच्छा लगा, पराठे अच्छे लगे, क्या अच्छा लगा कुछ बताइए। हमने वहाँ का आलू प्याज पनीर पराठा खाया, जो कि बहुत टेस्टी था, और उसमें बहुत सारा बटर था, वाइट बटर जो वहाँ पे सबसे महंगी कैटेगरी है, वो बटर अलग से भी बेच रहा है, मैंने उनकी मेन्यू में देखा, और वो काफ़ी टेस्टी भी था, और उसमें बटर भर भर के डाला था, एक छोटा सा पराठा छोटा था पर उसमें बटर उसके डबल साइज का था, और उसके साथ हमने दही खाई, और जो मज़ा था उसका, सच में मूर्थल के पराठे अभी तक के बेस्ट पराठे हैं, अगर आप जाओगे तो एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा गाइस, एक बार आप जाइए और ट्राई करिए वहाँ पर। हम और आप उसके आसपास भी गए, जो मेन ढाबा है वो है अमरीक सुखदेव का। इन पराठा इज बटर इज लॉट्स ऑफ बटर, बटर इज स्लीपिंग फ्लोटिंग इन पराठा, एंड पराठा इज वेरी गीला बाय बटर, एंड लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन इन अमृत सुखदेव, वी हमें सीट नहीं मिली, आधे घंटे बाद हमें सीट मिली। आगे आपने वीडियो में देख लिएगा
कि हमें कितना वहाँ पर वेट करना पड़ा पराठे के लिए, आधा घंटा तो हमें टेबल के लिए वेट करना पड़ा और आधा घंटा में पराठे के लिए, मतलब ऑलमोस्ट एक घंटा अप्रोक्स हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि ईद थी प्लस वीकेंड का टाइम भी चल रहा था, शनिवार संडे था, इस वजह से तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा ही होगा कितनी भीड़ थी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर सबके साथ शेयर करना गाइस, हमारे 600 समथिंग 600-700 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब बस हमें और सब्सक्राइबर आपका इतना ही प्यार चाहिए और इतनी ही बस आपका सपोर्ट सब कुछ चाहिए और इस वीडियो को आगे तक फैलाइए और इस चैनल को मतलब टॉप पे लाइए, बस यही हमारी ख्वाहिश है बस आप